हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। एक्सेल में देखिए, यहां पर एक हमारे पास डेटा है जिसमें रोल नंबर है, नेम है और तमाम सब्जेक्ट्स के नाम है, और फिर यहां पे टोटल किया है और फिर एवरेज किया। तो यहां पर करना क्या है, इंडेक्स फंक्शन का यूज समझना है। इंडेक्स जो कि काफी पॉपुलर है, ठीक है, आपने इसके पहले व्यू का देखा। इंडेक्स आइए देखते हैं इंडेक्स करता क्या है। यहां पर देखिए इज इक्वल टू इंडेक्स लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इंडेक्स। अब देखिए इंडेक्स कह क्या रहा है, यहाँ नीचे सिंटेक्स आपको दिखाता है। तो कह रहा है कि एरे सेलेक्ट कीजिए। तो चूंकि हमने हेडिंग नहीं लिया हुआ है, तो मैं इस पूरे हेडिंग के साथ इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर जाता हूँ। कर दिया, फिर कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दिया। अब कह रहा ना कि रो नंबर जो है, आप बताइए कौन से रो नंबर का डिटेल चाहिए आपको। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए हमको रो नंबर 6 का डिटेल चाहिए, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद पूछ रहा है कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर मान लीजिए हमें एवरेज देखना हो, तो एवरेज यहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं अगर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी एवरेज वाला कॉलम 9 हुआ। अब इसको बंद करके एंटर प्रेस कीजिएगा, तो यहां 59 आ रहा है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, मैं बात कर रहा था रो नंबर 6 की, तो यहां से काउंट कीजिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा हो गया रो नंबर 6, ठीक है। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ एक डिफरेंट कलर से, ठीक है। और रो नंबर 6 का जो एवरेज है वो कितना आया हुआ है, 59 ही आया हुआ है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स फंक्शन का, इंडेक्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी।